हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो आज संडे था तो मैं और शिवम सोचा कि कहाँ जाए। वैसे मॉर्निंग राइड पे भी नहीं गए और कंटिन्यू पहले के दो तीन व्लॉग्स मतलब आ गए मोटर व्लॉगिंग। तो मैं सोचा आपको डिफरेंट करता है क्योंकि हर बार ऐसे कंटिन्यू व्लॉगिंग करिए मोटर व्लॉगिंग तो शायद कुछ लोग बोर हो जाए। तो अभी थोड़ा चेंज लाते हैं। तो मैं और शिवम आज इको पार्क जा रहे हैं। तो इको पार्क में देखते हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करना है लायक, ऐसा हुआ तो अच्छे फोटोज लेंगे, रील्स लेंगे और वहाँ पे व्लॉगिंग करेंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं वहाँ पे और बीच का रास्ता आप इंजॉय कीजिए। पहले अभी हम लोग आए पेट्रोल पंप पे, फुल करवा देते हैं और फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं और आप सफर को एंजॉय कीजिए। बाय। थार, क्या थार खड़ी है उधर सामने रेड कलर की, मस्त। 9 मंथ की वेटिंग है पर वर्थ इट है। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए अभी इको पार्क और अभी शीएम शूट कर रहा है टाइम लैप्स अच्छा सा। इसके बाद जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस, और अभी गाड़ी मतलब गाड़ी पार्किंग कर दी अपने इधर और देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। गेट नंबर फोर है। ऐसे ही गेट और 3 गेट है और टोटल कितने गेट है? टोटल सुना है कि 7 या 8 गेट्स है और बहुत ही बड़ा पार्क है। बहुत ही मेरे ये व्लॉग चैनल के जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में शायद मैंने दिखाया नहीं, फिर मैं शायद वीडियो डिलीट कर दिया था, मुझे भी याद नहीं है। पर आज वापस मतलब आपको दिखाऊंगा और कितना अच्छा पार्क है इको पार्क और मस्ट विजिट है अगर आप कलकत्ता में घूम रहे हो तो। मैं 7 वंडर्स है, सब कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा और अभी टाइम लैप्स आप इन्जॉय कीजिए। बाय। तो कैसी हम यहाँ पर टाइम लैप्स शूट कर रहा है वहाँ का व्यू, तो एन्जॉय। तो गाइज, हमने एंट्री ले ली है अंदर इको पार्क में और ये सिस्टम है यहाँ पे, स्कैनिंग सिस्टम है, स्कैन करके अंदर एंटर करना पड़ता है जैसे आपने सीएम को देखा। और 60 रुपीज़ एंट्री चार्ज लिया है, 30-30 लिया है मेरा और सीएम का और बहुत ही शानदार है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट घुसने से अभी कोरोना का वो मतलब कोरोना काल चल रहा था तो उसका उन्होंने बनाया है मतलब पुतला मतलब कार्टून टाइप का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज देखिए, ये कार्टून बनाया है इन्होंने कोरोना, और यहाँ पे 7 वंडर्स है अंदर। तो चलिए आपको अंदर से यहाँ से एंटर करेंगे अभी हम लोग और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो इधर से इस टाइप की ग्रीनरी आती है, देखिए गार्डन से कितनी शानदार है। और यहाँ पे 7 वंडर्स टिकट काउंटर है जो कि उस साइड है सामने, और देखिए वहाँ पर आपको दिख रहा है। और ऐसे बहुत ही आगे आगे गार्डन है बहुत सारा अच्छा अच्छा, तो जैसे जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से ये मेन एंट्रेंस था, कहा था कि 7-8 गेट है, वैसे 7-8 तो नहीं है, इसमें 5 गेट है, जो 5th गेट है वो एकदम टॉप पे है और हम लोग हैं अभी यहाँ पे। और ये पूरा नेविगेशन मैप है, देखिए इतना बड़ा है ये, और देखिए सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए फैमिलीज आते हैं यहाँ पर खेलने वगैरह, संडे भीड़। चलिए आगे चलते हैं। और विमर्श हमारे चलते चलते और सामने बहुत ही शानदार ओपन ग्राउंड मैं आपको दिखाता हूँ। टॉय ट्रेन भी आ रही है और देखिए ओल्ड लोगों के लिए ये भी है यहाँ पे कार। देखिए गाइज कितना बड़ा गार्डन है और यहाँ पे टॉय ट्रेन है। बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है और ज़्यादा मतलब 60 रुपीज़ में अभी क्या है 2 जन का समझिए। सीएम यहाँ पे कैमरा लेके, चलिए आगे चलते हैं और फोटो वोटो भी शूट कर रहे हैं इंस्टा पे, जरूर आप चेक कीजिए मेरे को और सीएम को। चलिए आगे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं स्कल्पचर गार्डन ऑफ ऑन हिस्ट्री ऑफ बंगाल, तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से है कुछ, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और गार्डन बहुत सारे हैं, कोई बटरफ्लाई गार्डन, कोई हेलोन, पता नहीं हेलोनिया क्या था, पता नहीं राजीव जी नाम। यहाँ पे देखिए इस टाइप से, और ये यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है। तो गाइस अभी मैं और शिवम वॉकिंग करते करते आए और 7 वंडर्स पे जा रहे थे तब बीच में ये फाउंटेन दिखा,
तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितना शानदार है। चलिए आपको दिखाता हूँ और फिर क्रॉस करके सेंट विंडोज में जाते हैं। तो गाइस देखिए ये रहा फाउंटेन, क्या ही बोलूँ मैं यार, कितना शानदार है, क्या ही। चलिए अभी क्रॉस करके उधर चलते। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सेवन वंडर्स की तरफ और देखिए कितना शानदार ग्रीनरी है। ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा, ये देखिए ग्रीनरी देखिए बस यहाँ पे, इतनी शानदार और इतना बड़ा ब्रिज, अरे सॉरी गार्डन, इको पार्क कैसे मेंटेन करते होंगे वही एक सोचने वाली बात है। जितना हो सके मैं आपको पॉसिबल हो रहा दिखा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग, उम्मीद है इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। और चलिए अभी ज़्यादा बोर नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है किसी को बोर लग रहा हो, तो यहाँ तक झलक दिखा दे जाओ सेवन वंडर्स की, ताजमहल की। तो गाइस मैंने अभी सेवन वंडर्स का टिकट ले लिया है, उसका भी 30-30 रुपीज़ ही है, बहुत ही एकदम सस्ता, मतलब अच्छे मतलब रेट से कोई भी एंटर कर सकता है आराम से, जैसे कोई ज़्यादा रेट्स नहीं है कि 150-200-250 रुपये, 30-30 रुपये एंट्री के भी और इधर सेवन वंडर्स के भी 30-30। और चलते चलते थक गया एकदम, तो अभी लिया ट्रॉपिकाना का और एक ही ऑप्शन था मैंगो मिक्स फ्रूट पाइनएप्पल लेना था पर नहीं था। सीएम थक तो नहीं गया ना, तो गाइस अभी चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो पहला वंडर है वो है पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड फ्रॉम इजिप्ट। ये देखिए एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और अभी चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे, फिर आगे चलेंगे ऐसे ऐसे करके एक एक करके चलेंगे ताजमहल और फिर कोलोसियम में भी जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितना शानदार एकदम। तो गाइस ये सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये शायद पेट्रा जॉर्डन है, उम्मीद है वही होगा पेट्रा जॉर्डन। अभी चलते हैं ब्राज़ील की और उधर। तो गाइस ये जो है ये ईस्टर आइलैंड स्टैचू है और बहुत ही फेमस है, कितना शानदार है देखिए। चल सी हम यहाँ पे एक दो फोटो लेते और फिर आगे चलते ताजमहल आगरा। तो गाइस ये है ताजमहल, मिनी ताजमहल, वैसे रियल में तो मैंने देखा नहीं है, दूर से ही देखा है और कभी मौका मिला तो जाएंगे आगरा। फिर अभी इंडिया से चलते हैं उधर चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पासपोर्ट लेके नहीं आया मैं। वाह वाह भाई वाह, जोक ताली, पासपोर्ट लेके नहीं आए। तो वहाँ पे है द कोलोसियम, वो आपको वहाँ पे दिखाया, पिरामिड्स, फिर ताजमहल और उसका स्टैचू ऑफ क्राइस्ट, लाइक क्राइस्ट द रेडमर ऐसा कुछ नाम है उसका प्रॉपर, और फिर स्टैचू ऑफ ईस्टर आइलैंड। और अभी हम लोग आए वही कहाँ है बिना पासपोर्ट के, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाँ कब से तो घूम रहा है इधर उधर, कभी ईस्टर आइलैंड कभी उधर, अब बोलता पासपोर्ट नहीं है, ये है चाइना वॉल। तो गाइस ये है द फाइनल वंडर कोलोसियम, जो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट है उसमें फाइनल है और पीछे अभी सनसेट की तैयारी है। संडे है इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। देखिए सीएम वेट कर रहा है, अभी चलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, स्वीपिंग वाले को? टाइप का कोई है। इसको मेरे हाथ में, इसको ये गुट्टी के बाद पता नहीं, देखते ही मेरे को मन हुआ, बहुत टाइम बचपन में पहले खाया था, वैसे तो एक दो बार खाया है पर आज मन हो गया तो सोचा खा लेते। और सीएम भी ये कुछ भुजिया खा रहा बोल रहा है यहाँ आगे, ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो आगे अपने गाड़ी के भी पास और चलिए जाके मिलते आपको पिज़्ज़ा हट में, शॉर्ट में मतलब जितना पॉसिबल हो उतना मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा खींचता तो बोर हो जाता, ब्लॉग तो खैर बड़ा हो जाता पर बोर हो जाता है आप, तो अभी चलिए निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं निको पार्क के पास और मैं और सीएम, अभी सीएम तो बोल रहे पिज़्ज़ा हट में, मैं बोल रहा हूँ KFC में, दोनों नहीं KFC में, वैसे तो हम लोग प्योर वेज है पर हम लोग और उसमें KFC में जाके मैं वेज बर्गर ही खाऊँगा सिंगर, और सीएम पिज़्ज़ा हट में खाएगा, दोनों अलग अलग जाएंगे। तो गाइस देखिए दोनों बाजू बाजू में ही हैं, पिज़्ज़ा हट एंड KFC, सीएम इसमें जाएगा और मैं इस पर जाऊँगा, पहले अभी इसके पीछे पीछे जा रहा, पता नहीं क्या बोलने जा रहा अंदर।
तो गाइस अभी मैं और सीएम है केएफसी में, सीएम का ऑर्डर दे दिया है पिज़्ज़ा हट में, पिज़्ज़ा हट में सीएम का ऑर्डर दे दिया और मैं और केएफसी में अभी मेरा ऑर्डर दिया है और वहाँ पे पिज़्ज़ा हट वाले को बोल दिया कि भाई केएफसी से ऑर्डर लेके आएंगे और फिर पिज़्ज़ा हट में आके खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग यहाँ से लेके आ जाएंगे। तो गाइस ये रहा मेरा वेज सिंगर पेप्सी, पेप्सी और सीएम का वेजी फीस्ट, तो अभी खाते हैं इसको। तो गाइस खा लिया हमने और अभी घर निकल रहे हैं, तो सोचा कि वीडियो एंड करते हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और गाइस यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फ्री है, सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह ब्लॉग्स आते रहेंगे और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, मोटो ब्लॉग देखना चाहते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे भी पता चलेगा कि किस टाइप के ब्लॉग्स बनाने हैं, मोटो ब्लॉग बनाने हैं, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मोटो ब्लॉग डालो या ब्लॉग डालो, अब बताइए और चैनल पर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं आपको बाद में और अभी घर जा रहे, थक गए हैं, बाय।